नमस्ते इंडिया। तो गाइस, फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार आपके एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं और कल से आपके एग्जाम है, राइट? तो यहाँ पे मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा, विद बेस्ट ऑफ लक, विद गुड लक। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके एग्जाम बहुत शानदार होंगे। बस आपको अपने साथ में कॉन्फिडेंट को रखने का है, डर को अपने साथ में मत लेके जाना, क्योंकि डर के आगे ही तो जीत है, राइट? तो आपको डर नहीं रखने का है, आपको कॉन्फिडेंट रखने का है। उसके बाद मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपने इतनी मेहनत की है, आप पता नहीं कब से पढ़ रहे हो, आपने कितनी नोटबुक भरी है, आपने कितनी पेन खाली की है यार, आपने अपनी दिन रात खो दिए है, ठीक है? रात को पता नहीं कितने टाइम तक आ चुके हो। तो उस चीज पे बिलीव रखना, खुद पे बिलीव रखना कि हाँ, मैं इतना पढ़ा हूं तो आखिरकार मेरे पेपर अच्छे ही जाएंगे, मुझे टेंशन नहीं लेनी है। और खुद पे बिलीव रखिए और उस ऊपर वाले पे बिलीव रखिए, आपके साथ बुरा नहीं होगा, ठीक है? और अब मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि कल आपका एग्जाम है अकाउंट्स का। तो मैं यहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जो कुछ चीजें हैं जो आप एग्जाम में करना चाहोगे या करोगे या नहीं भी करोगे, उनसे रिलेटेड मैं कुछ जो मिथ है उनको निकालना चाहूंगा। पहला है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे जो क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसके ऊपर। तो सर, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता है ना, उस पर डायरेक्ट कभी भी डायरेक्ट कंक्लूजन पे मत पहुंचो, हाँ कि इसमें ये है इसमें नहीं है, ऐसा नहीं। पहले हमेशा स्टार्टिंग करो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम, अगर आप कंफर्म हो तो जरूर नाम लिखे, नहीं है तो ठीक जाए। तो फिर उसके बाद आप एक्सप्लेन कीजिए उस एएस का प्रोविजन, वो एएस किस बारे में बोलता है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उसको कनेक्ट कीजिए विद द दैट प्रोविजन, और फाइनली आप कंक्लूजन बोलोगे इस हिसाब से। तो ऑलमोस्ट ट्राई करो कि 5 मार्क के लिए एटलीस्ट एक पेज तो भरो, राइट? उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में, जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहते हैं उसमें क्या होता है सर। उसमें वर्किंग नोट बनाते हो आप, कुछ अजम्पशंस लिखते हैं अपन, तो उनको जरूर लिखिए और उनका रेफरेंस भी दीजिए। ये वर्किंग नोट नंबर है, जैसे आप कुछ बना रहे हो, ठीक है? जैसे आप कैश फ्लो बना रहे हो, आपने उसमें लिखा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और उसका वर्किंग नोट बनाया है, तो जहां पे भी आप लिख रहे हो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, वहां पे ब्रैकेट में जरूर लिखे वर्किंग नोट नंबर 1 या 2 जो भी है उसका। तो ये रेफरेंस देना ना भूले, वो काफी अच्छा रहता है। उसके बाद नरेशन की बात आती है, सर क्या नरेशन लिखना चाहिए? मैं बोलूंगा बिल्कुल, अगर आपके पास टाइम है, आपकी स्पीड अच्छी है तो नरेशन जरूर लिखो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड ऐसे भी बहुत कम है सर, नरेशन लिखना मतलब एक क्वेश्चन खोना है, तो मैं बोलूंगा कि अगर सिर्फ जनरल एंट्री पूछी है, इन दैट केस आप नरेशन जरूर लिखे, अदरवाइज नरेशन को जाने दे सकते हैं इन केस, ठीक है? चलिए, उसके बाद मैं बात करूंगा फॉर्मेट की। सर सर फॉर्मेट बनाना, रूलिंग बनाना, हर बार लेजर बना रहा तो डेट पर्टिकुलर लिखू क्या? तो देखो बेटा, ये रिकमेंडेटरी तो है, मतलब बनाऊंगी तो अच्छा है, वेल एंड गुड है, बट अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड जो है वो काफी गंदी है, काफी कम है, या आपको लगता है मेरा पेपर मिस होने वाला है, हमेशा होता है, इन दैट केस बिलीव मी, आप वो फॉर्मेट में मत पढ़िए, मत पढ़िए। शायद उस फॉर्मेट की वजह से आपको 4 या 5 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाए, क्योंकि आप कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। हाँ, अगर आपको फॉर्मेट बनाने का शौक ही है, बनाना ही है, तो एक क्वेश्चन आता है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का, राइट? जहां पे बैलेंस शीट और पीएनएल का पूछा जाता है, वहां पे आप बना लीजिए, वहां पे कंपलसरी होता है, अदरवाइज आप कहीं पे भी, आपको लेजर वगैरह बनाने का काम नहीं है, उसको मतलब फॉर्मेट बनाने का काम नहीं है, आप जाने दे सकते हो। और सर आखिरी क्वेश्चन की, अल्टरनेटिव मेथड जो होती है हम यूज करते हैं, क्या हम यूज कर सकते हो? मैंने बोला बिल्कुल, आईसीआई यहाँ पे परमिट करती है आपको कि अल्टरनेटिव मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि आंसर उसका क्या रहता है, सेम रहता है। और फाइनली मैं आपको अपनी तरफ से एक पर्सनल, बहुत पर्सनल सजेशन देना चाहूंगा, आपको सही लगे तो आप यूज करना कल एग्जाम में। जो भी बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, 16 मार्क का जो क्वेश्चन होता है, एक सिंगल क्वेश्चन, जैसे कि अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का, या फिर मैं बोलना चाहूंगा कैश फ्लो का, जैसे आ गया, तो आप कभी भी उसको पहले अटेंड मत कीजिए। आप हो सके तो सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अटेंड कीजिए, क्योंकि वो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। एटलीस्ट अगर आपको 4 में से 2 भी आ रहे हैं ना, तो बेटा वो पहले अटेंड कीजिए। उसके बाद जाइए लास्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि उसमें 5 में से 4 ऑप्शन होते हैं और हाई चांसेस कि अपने को उसमें से आता होगा, तो आप उसको अटेंड कीजिए। और उसके बाद कोई थर्ड क्वेश्चन कोई और अटेंड कीजिए, जैसे डिपार्टमेंट का हो गया, हायर परचेस का हो गया, और फोर्थ नंबर पे आप इनमें से कोई भी अटेंड कीजिए, दोनों बड़े में से कोई भी। तो आपको थर्ड या फोर्थ पे आई थिंक अटेंड करना चाहिए, ना कि फर्स्ट या सेकंड पे, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपको लगेगा कि मुझे आ रहा है अभी पढ़ के आया, पर उसमें टाइम काफी चला जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, क्योंकि अपना जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए मैक्सिमम मार्क्स का अटेंड करना, हो सके तो पूरा पेपर अच्छे से अटेंड करना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, और फॉर्मेटिंग पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। बहुत सारे बच्चों की मैंने आंसर शीट देखी है, उसमें फॉर्मेट नहीं होते अच्छे से, फिर भी उनको मार्क्स मिलते हैं। तो गाइस, इन चीजों का ध्यान रखिए, बाकी आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। ऑल द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक।
और आपके साथ अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, बिलीव मी, बहुत बहुत अच्छा होगा। चलिए फिर, टाटा बाय बाय।